अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। बाज़ वक्त ऐसे हालात इंसान पर आ जाते हैं कि उसके पास कुछ भी खर्च करने को नहीं होता। अगर कोई बीमारी लग जाए, कोई मुसीबत में मुब्तिला हो जाए, उसके हाथ खाली होते हैं, घर में भी कुछ नहीं होता, तो इंसान परेशान हो जाता है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है और वो चाहता है कि मैं अब ज़रूरत को कैसे पूरा करूं, कहां से पूरा करूं। दोस्तों, जब इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इंसान की जेब खाली होती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह से उसके हाथों में पैसे आ जाएं ताकि उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। आजकल ज़्यादातर लोग आपको परेशानी और मायूसी में ही नज़र आएंगे। रूहानी और जिस्मानी सुकून किसी को हासिल नहीं, पर हर एक की ज़बान पर आपको पैसा, पैसा, गाड़ी, दौलत, बंगला, यही अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे। कोई मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है तो कोई घरेलू और ख़ानदानी इख्तलाफात में फंसा हुआ है। परेशानी और मुसीबत हर इंसान के साथ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को आप देख लें, वो भी आपको परेशान ही नज़र आएंगे, जिनको रात को सही तरह से नींद भी नहीं आती है। आजकल तो इंसानी हमदर्दी देखने को नज़र ही नहीं आती। हर आदमी दुनिया में दौलत के खातिर जिंदा है, एहसास नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं और इंसानियत आखिरी सांस पर है। ना गरीब से मोहब्बत है, ना मजदूर से हमदर्दी है। मरीज अस्पतालों में मारे मारे फिर रहे हैं, गरीब बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई का दौर है और आज के दौर में जब किसी आदमी के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं मिलता तो वो आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। एक तरफ से इंसान पर मुसीबत पड़ जाए, किसी परेशानी में मुब्तिला हो जाए या कोई बीमारी घेर ले और उसकी जेब खाली हो, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी जेब खाली है, आप किसी मुसीबत में मुब्तिला हैं, किसी बीमारी में मुब्तिला हैं या आपके घर के हालात कुछ खराब हो चुके हैं और आपके पास एक रुपया भी खर्च करने को नहीं, तो आप फौरन ये अमल कर लें जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक का नाम मुबारक है, बहुत ही पावरफुल नाम है, ताकत वाला नाम है, अजमत वाला नाम है, इज्जत वाला नाम है, मदद करने वाला है, गैब के खजानों से मदद करने वाला अल्लाह पाक का ये नाम मुबारक है। जिस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़े और कहीं से कोई ज़रिया ना बन रहा हो, कोई आपकी मदद करने को तैयार ना हो, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार ना हो, तो उस वक्त आप लोगों ने ये अमल कर लेना है। अल्लाह पाक का ये प्यारा नाम है अल वलीयुल हमीद, अल वलीयुल हमीद। आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये नाम 33 बार उसी वक्त पढ़ लेना है जब आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और कोई आपकी मदद करने को तैयार ना हो। यकीन करें, जिस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत पड़े उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें। शुरू और आखिर में दरूद पाक के साथ और दरमियान में 33 मरतबा अल वलीयुल हमीद पढ़ना शुरू कर दें और फिर देखें, ऐसी जगह से पैसों का इंतज़ाम होगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये अमल ज़रूर करें और अपने तमाम भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।